नमस्कार, मैं रेमी मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि आज का ये मेरा वीडियो जो है वो नवरात्रि स्पेशल होने वाला है। मतलब कि ये जो बहुत सारे पाउच रखे हैं ना, तो ये मैंने कन्याओं के लिए बनाया हुआ है। हर बार मैं बैग या पर्स बनाती हूँ, तो इस बार मैंने बच्चों को ध्यान में रखकर स्पेशली उनकी पसंद का ये पाउच बनाया है, जिसमें कि वो पेंसिल पेन वगैरह रख सकते हैं। इस तरह का पाउच बच्चों को पसंद भी बहुत आता है। पर्स वगैरह बनाती हूँ तो वो कम पसंद आता है, तो ये बच्चों के यूज़ का भी, इस्तेमाल का भी है। आप भी चाहें तो इस तरह का बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो भी इकट्ठे इस तरह का पाउच बना सकते हैं। बहुत ही आसान होता है इसको बनाना, फटाफट बन भी जाता है। तो ये टोटल अपनी 9 पाउच मैंने बनाया है, और ये देखिए काफ़ी इसमें स्पेस भी है। स्केच पेन, पेंसिल, इरेजर, मतलब जितने भी बच्चों के आइटम होते हैं ना, सब कुछ इसमें रख सकते हैं। तो आइए अब फटाफट से इस पाउच को बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये पाउच। अगर 1 मीटर कपड़ा लेते हैं तो उसमें आपका ये 9 पाउच बनकर रेडी हो जाएगा, और कुछ कपड़े बच भी जाएंगे। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं इस पाउच को। सबसे पहले मैंने ये 1 पीस लिया है, तो मैं आपको मेजरमेंट बता दूं तो इसका जो नाप है वो है 11.5 इंच। लंबाई जो है ना इसकी 11.5 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9.5 इंच। अब क्विल्टिंग करने के लिए हमें चाहिए होगा अस्तर। अस्तर के ऊपर रखेंगे फोम, और फिर उसके ऊपर रखेंगे ये जो मेन फैब्रिक है। अब तीनों को मिला के हमें 1 पीस बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको पहले तीनों को मिला के चारों साइड से सिल लेंगे। अब ये चारों साइड से सिलने के बाद इसको फिर बीच में भी दोनों तरफ से क्विल्ट कर लेंगे, सिल लेंगे। अब इसके बाद साइड जो भी एक्स्ट्रा अस्तर फोम है ना, सबको काट के बराबर कर लेंगे। अब क्विल्टिंग के बाद ना इसकी जो लंबाई है वो हो गई है 11 इंच, यानी कि 1/2 इंच कम हो गया है, और इसकी जो चौड़ाई है ना वो सेम ही है 9.5 इंच। अब 9.5 इंच लंबा जिप लेंगे, और फिर जिप को बीच से अलग कर लेंगे। और ये देखिए जो सीधी साइड है ना वो अंदर की तरफ रहेगा, कपड़े का सीधा साइड और जिप का सीधा साइड, दोनों को मिलाते हुए आपस में इस तरह से, और इसको पहले ऊपर की तरफ से सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा जो जिप का पीस है उसको, ये जो बैग है उसके दूसरे साइड में सिलेंगे, उल्टा रखते हुए ऐसे सिल लेना है। अब इसको पलट लेंगे, और फिर दोनों में ही हमें प्रेस स्टिच करना है। इस तरह से बराबर रखते हुए फिर इस पर एक बार सिलाई कर लेंगे दोनों साइड। अब ये जिप लग चुका है, अब इसमें हमें रनर को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए रनर को एक साइड से डालेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे, उसके बाद वापस से उसी साइड से हमें थोड़ा सा खोलते हुए डाल लेना है, ताकि दोनों तरफ ये बंद रहे, जिससे कि हमें कटिंग करने में कोने पर और सिलाई करने में आसानी रहे। तो अब ये रनर लग चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमें शेप देना है, तो उसके लिए ये ऊपर जो जिप है वहाँ से इस तरह से बराबर रखते हुए नीचे की तरफ, उसके नीचे बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेना है। अब ये जो सेंटर में निशान लगा है ना, और ये जो जिप है ना, दोनों को इस तरह से मिलाएंगे, जो निशान लगा है और ये जो जिप है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर बराबर पिन लगा लें। उसके बाद हमें जो चारों कोने हैं ना उसकी कटिंग करनी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी पिन लगा लें। अब यहाँ पर कोने पर हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1-1 इंच पे सभी कोने पर निशान लगा लेंगे। ये दोनों साइड से ना मैं 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसी तरह से बाकी के जितने कोने हैं सब में 1 बाय 1 का ये जो बॉक्स है उसको बना लेना है। अब ये जो कोने पे निशान लगा है इसको हमें कट करना है। अब ये चारों कोना कट करने के बाद पाउच को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद
दोनों जो साइड है उसको सिलना है, लेकिन उसके पहले जो हैंगर है उसको रेडी कर लेते हैं। तो ये छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेना है, जिसकी जो लंबाई है वो है 5.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि दोनों किनारे से इस तरह से मोड़ेंगे पहले, फिर बीच से मोड़ के और इसको सिल लेंगे। तो इस तरह से ये हैंगर रेडी हो जाएगा। अब इसको पाउच में साइड में लगाएंगे, तो बीच से फोल्ड करेंगे, जो फोल्ड वाला हिस्सा है ना वो अंदर की तरफ रहेगा, इस तरह से रखते हुए एकदम सेंटर में जिप के नीचे इस तरह से, और फिर इसको दोनों साइड सिल लेना है, यहाँ पर भी सिल लेंगे और यहाँ पर भी सिल लेंगे। इस पे आप डबल ट्रिपल सिलाई चला लें ताकि ये मजबूत रहे। अब ये दोनों कोना सिलने के बाद जो जिप वगैरह एक्स्ट्रा है उसको काट के बराबर कर लेंगे दोनों साइड से। अब इसके बाद क्या करना है ना, चारों जो कोने हैं ना उसको पकड़ के इस तरह से बराबर मिलाते हुए और फिर इसको सिल लेना है। इस तरह से देखिए बराबर मिलाएंगे और फिर इसको पूरा सिल लेना है। तो चलिए अब ये चारों कोने जो है उसको सिल लेते हैं। इस तरह से ये सभी कोने सिल गए हैं, पाउच हमारा बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से बाकी के जो पाउच है उनको भी सिल लेंगे। तो आप अपने हिसाब से ना इसका साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कितना इजी है इसको बनाना, आप फटाफट इसको सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये पाउच बनकर तैयार हुआ है, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पाउच और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।